हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्लैक एयर कूलिंग सॉल्यूशंस। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं डीसी ब्लोअर फैंस। हम इस वीडियो में आपको ये अकेला ब्लोअर फैन चलाकर दिखाएंगे, इसकी स्पीड के बारे में आपको बताएंगे, और ये सब ब्लोअर फैंस अलग अलग एम्पेयर रेटिंग के साथ आते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी ब्लोअर फैन चाहिए तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है। तो आइए फ्रेंड्स, हम इन ब्लोअर फैंस के बारे में जानते हैं और इसको मैं आपको चलाकर भी दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये नाइडक गामा 30 का ब्लोअर है। ये 0.46 करंट रेटिंग के साथ ऑपरेट होता है और ये 12 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। इसके साथ स्पीड कंट्रोलर भी आपको मिल जाएगा। सभी ब्लोअर के साथ हमारे पास कंपैटिबल स्पीड कंट्रोलर हैं, ये आपको मिल जाएंगे हमारे प्रोडक्ट के साथ। आपको बस हमें दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सुनोन का ब्लोअर। ये भी 12 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। 4.2 वोल्ट्स इसकी पावर रेटिंग कंजम्पशन है। एंड ये है डेल्टा का ब्लोअर, जो कि 12 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। 0.48 एम्पियर इसकी करंट रेटिंग की कंजप्शन है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट ब्लोअर की तरफ। दोस्तों, ये डेल्टा का एक नॉर्मल स्पीड में आ जाता है। ये 1.20 एम्पियर करंट रेटिंग के साथ आता है, तो इसकी भी नॉर्मल स्पीड है। अगर आपको ये चाहिए तो हमारे पास ये भी अवेलेबल होते हैं। एंड चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है अपना डेल्टा का हाई स्पीड ब्लोअर। ये दोस्तों, अब यहाँ से हाई स्पीड ब्लोअर्स की कैटेगरी चालू हो जाती है। ये 12 वोल्ट का 1.80 करंट रेटिंग के साथ आता है, ठीक है। इसकी तकरीबन 5000 RPM की स्पीड है। ये भी अपने पास अवेलेबल है। ये डबल बॉल बेयरिंग में आता है। तो नेक्स्ट है दोस्तों AVC का 2.40 एम्पेयर का ब्लोअर। दोस्तों, ये मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट हॉट सेलिंग ब्लोअर है। ये 2.40 एम्पेयर की करंट रेटिंग की कंजम्पशन यूज़ करता है, ठीक है। दोस्तों, इसकी स्पीड भी 5000 RPM के करीब है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट ब्लोअर की तरफ। फ्रेंड्स, ये SCI का 2.75 एम्पेयर ब्लोअर है। इसकी स्पीड तकरीबन 5500 RPM है। तो इसको भी आप हमसे परचेज कर सकते हैं। ऑल इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है। एंड नेक्स्ट है 2.85 AVC का ब्लोअर। फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही अच्छा ब्लोअर है। इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी है। ये भी एक हाई स्पीड कैटेगरी की ब्लोअर में आता है। एंड फ्रेंड्स, ये है 2.94 का ब्लोअर। इसमें भी डबल बॉल बेयरिंग लगे हैं, ठीक है। इसकी भी 5500 RPM की स्पीड है। तो नेक्स्ट है दोस्तों, ये मेटल ब्लोअर। ये मेटल ब्लोअर NMB है। ये इसकी 2 एम्पेयर पावर रेटिंग की कंजम्पशन है। आप हमसे ये भी बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आ जाते हैं टर्बो स्पीड के ब्लोअर्स। दोस्तों, एक ये 4.5 एम्पेयर का ब्लोअर एंड 6 एम्प्स डेल्टा में। ये दोनों दोस्तों बहुत ही तेज चलते हैं। ये एक टर्बो स्पीड ब्लोअर की कैटेगरी में आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी स्पीड है 7000 RPM, इसकी स्पीड है 9000 RPM। हमारे पास ये सभी ब्लोअर्स अवेलेबल रेडी स्टॉक होते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आपको ये चलाकर दिखाते हैं अपने स्पीड कंट्रोलर के साथ। तो आइए फ्रेंड्स, हम आपको ये ब्लोअर चला के दिखाते हैं अपने स्पीड कंट्रोलर के साथ में। तो फ्रेंड्स, हम इसको करते हैं प्लग इन। आइए दोस्तों, इससे शुरू करते हैं हम। तो फ्रेंड्स, हम इसको प्लग इन कर लेते हैं और हम यहां से अपना स्पीड कंट्रोलर करेंगे ऑन। दोस्तों, ये एक नॉर्मल स्पीड का ब्लोअर है। ये देखिए, हम इससे अपना स्पीड कंट्रोल भी कर सकते हैं। क्लोज कर। दोस्तों, ये एक नॉर्मल स्पीड का ब्लोअर है, नाइडक गामा 30। आइए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट ब्लोअर की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको चलाकर देखते हैं अपने स्पीड कंट्रोलर पे। तो फ्रेंड्स, हमने पॉजिटिव डाल दी इसके अंदर और ब्लैक है इसकी बाहर बॉडी पे। और हम अपना स्पीड कंट्रोल करेंगे ऑन। देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये स्टार्ट हो चुका है। हम इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलो हम दूसरा ब्लोअर चला के देखते हैं, जो कि है डेल्टा। अपना 0.4 एम्पीयर करंट रेटिंग के साथ आता है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं इसको चला कर देखेंगे हम। तो फ्रेंड्स, ये हमने कर दिया इसको ऑन।
एंड ये भी एक नॉर्मल स्पीड ब्लोअर है, इसकी तकरीबन 3300 आरपीएम है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लोअर की तरफ। ये है डेल्टा का 1.20 एम्प्स का ब्लोअर। दोस्तों ये भी एक नॉर्मल स्पीड कैटेगरी में आता है, बट इनकी इन तीनों से स्पीड ज़्यादा है क्योंकि इसका एम्पेयर भी ज़्यादा है। हर ब्लोअर का स्पीड उसके एम्पेयर के एम्पेयर पे डिपेंड करता है, तो इसका प्राइस भी बाकी से ज़्यादा है। जैसे कम एम्पेयर हो तो उसका प्राइस भी कम है। ठीक है, आपको अगर प्राइस की जानकारी चाहिए तो आप मेरे को दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम अपना ब्लोअर कर लेते हैं ऑन। तो फ्रेंड्स अपना ब्लोअर हो चुका है ऑन। अब इसकी भी आवाज़ सुन सकते हैं मोटर की। ये भी एक BLDC मोटर है। तो चलिए फ्रेंड्स हम अपने अब दूसरे ब्लोअर की तरफ चलते हैं, जो कि डेल्टा का 1.80 एम्पीयर का ब्लोअर। तो फ्रेंड्स हम इसको भी सेम टाइप से प्लग इन करेंगे। रेड इसका पॉजिटिव है जिसको हम अंदर डालेंगे अपने कनेक्टर में, और नेगेटिव लगाएंगे इसके बाहर वाली बॉडी पे। तो फ्रेंड्स ये भी स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों यहाँ से हाई स्पीड कैटेगरी के ब्लोअर स्टार्ट हो जाते हैं। अब देख सकते हो ये कार्ड को, हमारा कार्ड उड़ चुका है। हम इसकी भी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं ये अपने कंट्रोलर से। देखिए दोस्तों ये इसकी कम स्पीड है, ये हुआ कंट्रोलर बंद। इसकी इंडिकेटर लाइट भी बंद हो गई। जब हम इसको ऑन करेंगे तो इसकी इंडिकेटर लाइट भी ऑन हो जाएगी और ये ब्लोअर चलने लगेगा। ये देखिए बहुत धीरे चल रहा है ये। अब हम इसका स्पीड बढ़ाएंगे धीरे धीरे। ये देखिए दोस्तों ये तेज़ होना शुरू हो चुका है। ये अपने फुल स्पीड पे पहुंच गया है। दोस्तों यहाँ से हाई स्पीड ब्लोअर स्टार्ट हो जाते हैं 1.20 एम्पीयर से ऊपर। जो भी ब्लोअर है अब उसको हाई स्पीड कैटेगरी में काउंट करेंगे। ये 1.80 का डबल बॉल बेयरिंग का ब्लोअर है। तो दोस्तों हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट ब्लोअर की तरफ, जो है ABC का 2.40 एम्पीयर का ब्लोअर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये भी एक बॉल बेयरिंग में फ़ैन है। ठीक है, इस पर भी लिखा है बॉल बेयरिंग का फ़ैन, बॉल बेयरिंग, बट इसमें सिंगल बॉल बेयरिंग है। जो हमने आपको पहले मॉडल दिखाया था इसमें डबल बॉल बेयरिंग है। इसकी स्पीड इससे ज़्यादा है क्योंकि इसमें टू बेयरिंग्स लगे हैं, इसमें सिंगल बेयरिंग लगा है। ठीक है, इसकी तकरीबन 5000 RPM की स्पीड है, बट इसकी 4500 टू 4800 RPM के बीच में स्पीड आती है एज़ पर इन्वायरमेंट कंडीशन एंड एयर स्टैटिक प्रेशर। ओके, हम इसको भी अब चला के देखेंगे अपने स्पीड कंट्रोलर पे। हमने पॉजिटिव दिया अंदर और ब्लैक रखा बाहर। तो फ्रेंड्स ये भी स्टार्ट हो चुका है ब्लोअर। हम ये फुल स्पीड पे चल रहा है, हम इसको भी हम इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए हमने ब्लोअर को बंद कर दिया, ये रुक जाएगा। हम इसको स्टार्ट करेंगे, जैसे ही ये घूमना स्टार्ट हो जाएगा। 0 to 12 वोल्ट की इसकी वेरिएबल करंट इनपुट है। दोस्तों हम इसको भी आपको अपना कार्ड उड़ा के दिखाएंगे। ये देखिए अब इसकी भी स्पीड का अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फ्लोर की तरफ। तो फ्रेंड्स ये है SCI का 2.75 एम्पीयर का ब्लोअर। इसमें भी दोस्तों बेयरिंग लगा हुआ है। आइए हम इसको भी चला कर देखते हैं। सेम दोस्तों हम रेड डालेंगे पॉजिटिव अंदर में इसके पिन के, एंड ब्लैक रखेंगे बाहर। फ्रेंड्स ये भी एक टर्बो ब्लोअर है, इसमें भी टू बेयरिंग्स लगे हैं। ये बहुत ही हाई स्पीड में आएगा। हम इसको भी अपने स्पीड कंट्रोलर पे कंट्रोल कर सकते हैं। आइए मैं आपको अपने स्पीड कंट्रोलर पे इसको कंट्रोल करके दिखाता हूँ।
ये मैंने इसको धीरे कर दिया बिल्कुल, ये बहुत ही धीरे हो चुका है, ये बंद हो गया। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे और ये स्टार्ट हो चुका है, मैंने घुमाया और ये फुल स्पीड पे हो गया। दोस्तों ये बहुत हाई स्पीड का ब्लोअर है, इसकी 5800 RPM है। ये मैं आपको इसका कार्ड उड़ा के दिखाता हूँ। दूसरे कार्ड चिपक चुका है, ये वाइब्रेट कर चुका है। यह SCI का दोस्तों, ये एक बहुत ही पावरफुल ब्लोअर है, आपको ये प्रोडक्ट ज़रूर पसंद आएगा, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आएगा अपना DVC का 2.85 का ब्लोअर। तो फ्रेंड्स आइए हम इसको भी चला के देखते हैं। इसमें भी 2 बेयरिंग्स लगे हैं, इसकी भी एकदम ज़बरदस्त कमाल स्पीड है। तो फ्रेंड्स सेम हम इसका पॉजिटिव डालेंगे अंदर और नेगेटिव को रखेंगे बाहर। दोस्तों ये भी स्टार्ट हो चुका है, बट हम एक बार इसको धीरे से स्टार्ट करेंगे। मैंने इसको कर दिया कनेक्ट, स्पीड कंट्रोल को कर दिया ऑन। दोस्तों हम इसकी स्पीड बढ़ाएंगे और ये तेज़ होता रहेगा। दोस्तों ये भी एक हाई स्पीड ब्लोअर है, इसकी भी 5800 RPM की स्पीड है। दोस्तों आइए इसके भी हम आपको अपना कार्ड उड़ा के दिखाते हैं ताकि आपको इसकी स्पीड का अंदाज़ा हो जाए। ये भी कार्ड नाच रहा है, ये कार्ड उड़ गया, कार्ड फंस चुका है। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लोअर की तरफ, जो कि है अपना डेल्टा का 2.94 का ब्लोअर। आइए दोस्तों ये भी एक बहुत ही पावरफुल है ब्लोअर, बट हमको लगता है इसका तार छीलना पड़ेगा, जो कि पहले से छीला हुआ नहीं था। इसका तार हम छील लेते हैं, हमने इसका तार छीला, रेड डाला पॉजिटिव अंदर में और ब्लैक है इसका बाहर। ये दोस्तों ये अपना ब्लोअर भी स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों ये भी एक डबल बॉल बेयरिंग में ब्लोअर है, ये देखिए हम इसको फ्री छोड़ेंगे ये नहीं रुकेगा। ये भी एक बहुत ही पावरफुल फास्ट स्पीड का ब्लोअर है, इसको रोकना थोड़ा मुश्किल है। तो फ्रेंड इसका भी हम आपको कार्ड उड़ा के दिखा देंगे। ये भी अपने स्पीड कंट्रोलर पे कंट्रोल हो सकता है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्लोअर की तरफ, जो है NMB का मेटल ब्लोअर। दोस्तों ये भी बहुत ही पावरफुल ब्लोअर है, ये 2 एम्पीयर में की रेटिंग में आता है। तो चलिए हम इसको भी चला के देखते हैं। इसका भी हमको पहले तार छीलना पड़ेगा, रुकिए हम इसका भी अपना तार छील लेते हैं, रेड एंड ब्लैक। दोस्तों जो भी अपने पास ब्लोअर हैं सभी इस स्पीड कंट्रोलर पे ऑपरेट हो सकते हैं। ओके ये 2 एम्पीयर 3 एम्पीयर एंड 5 एम्पीयर करंट रेटिंग में अवेलेबल है। ये मेरा खुद का बनवाया हुआ, खुद का असेंबल्ड ब्लोअर के लिए बनवाया गया है ये स्पीड कंट्रोलर विद AC/DC अडेप्टर। इसको परचेज करने के लिए भी आप मेरे को दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसका भी स्पीड टेस्ट देख लेते हैं। ये डाली हमने पॉजिटिव वायर इसके अंदर और ब्लैक इसके बाहर। तो फ्रेंड्स हम स्पीड कंट्रोलर को अपने ऑन करते हैं और ये भी अपना ब्लोअर स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों ये भी एक हाई स्पीड ब्लोअर है, इसको भी हम अपने स्पीड कंट्रोलर से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए एकदम जूम जूम वाली फीलिंग आ रही है इसमें। ये दोस्तों इसका भी हम एयर फ्लो के बारे में जान लेते हैं। ये अपना कार्ड, ये भी एक हाई स्पीड ब्लोअर है। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं हम अपने महाशक्तिशाली ब्लोअर की तरफ, जो कि है 4.5 एम्पीयर का ब्लोअर। तो फ्रेंड्स ये 3 एम्पीयर का ब्लोअर है, इस पर चलने में ये दिक्कत करेगा क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है,
तो हम इसको SMPS पर अपडेट करके देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं। हमने SMPS अपनी कनेक्ट कर ली है, ये पावर ऑन होल्ड कर ली है, इसके साथ हमने क्रोकोडाइल क्लिप लगा रखे हैं। जब हम इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो ये पावर ऑन हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए ये बंद है, जैसे ही हमने इसको क्लिप किया आप इसकी स्पीड देख सकते हैं, ये बहुत ही तेज स्पीड का है। देखिए इसने अपने एयर प्रेशर से अपना कार्ड पूरा बैंड कर दिया। देखिए जब हम कार्ड को रखेंगे इधर तो ये कार्ड भी शुभ अंतर हो जाएगा। एक सेकंड दोस्तों, शायद ये डिसकनेक्ट हो गया है। तो फ्रेंड हमने स्टोन कर लिया है, देखिए कार्ड ये बहुत ही टर्बो ब्लोअर है, कार्ड उड़ के पता नहीं किधर हवा हो गया। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लोअर की तरफ, जो कि अपना मैक्सिमम पावर रेटिंग के साथ आता है, जो कि है 6 amps का ब्लोअर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसको। रेड को लगाया हमने रेड पे, तो ये सबसे पावरफुल ब्लोअर है जो कि 6 ampere की पावर रेटिंग के साथ आता है, एंड ये 9000 rpm की स्पीड हमको देता है। तो चलिए दोस्तों हम इस पर भी आपको अपना कार्ड उड़ा के दिखाते हैं। ये रखे कार्ड, तो देख लिया आपने 6 ampere की ब्लोअर की स्पीड। एंड अगर आपको कोई भी और ब्लोअर चाहिए, ये अपने पास सभी ब्लोअर अवेलेबल है जो हमने आपको सभी टेस्ट करके दिखाए हैं। अगर आपको कोई भी अन्य ब्लोअर के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमको ये दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर स्क्रीन पर फ्लैश किया हुआ है, आप हमें दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, व्हाट्सअप करें या ईमेल करें, हम सभी पे अवेलेबल हैं, हम आपको रिप्लाई देंगे। आपको किसी भी ब्लोअर का प्राइस जानना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें, कॉल करें या व्हाट्सअप करें, जैसे आपको ठीक लगे आप हमें कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।